सो गाइस, अगर आप YouTube में कुछ दिनों से एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा कि YouTube में एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ एकदम आ रहा है कि जहाँ पर YouTube ने एक नया अपडेट दिया है, जहाँ पर कि YouTube का जो शॉर्ट वीडियोस था, मतलब जितने भी क्रिएटर्स ने शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता था, उन वीडियोस में पहले तो हमारा एड्स वगैरह नहीं आता था, लेकिन अब से जो है एड्स आने लगा है YouTube शॉर्ट वीडियोस के अंदर। तो गाइस, YouTube शॉर्ट वीडियोस के अंदर ये जो एड्स आ रहा है, ये क्या है, नया अपडेट आया है या पर ये कोई फेक न्यूज़ है, इसके बारे में जो है बात करेंगे। क्योंकि गाइस, YouTube जो शॉर्ट्स को लॉन्च किया था, तब उन्होंने जो है बता दिया था कि YouTube शॉर्ट के अंदर किसी भी तरह का मोनेटाइजेशन, एड या फिर एड रेवेन्यू देखने को नहीं मिलेगा। बट गाइस, अभी जो है काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस के अंदर एड देखने को मिल रहा है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स जिन लोगों का मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है, वहाँ पर जो है उस शॉर्ट वीडियो से भी इनकम जनरेट हो रहा है। एंड उसी के साथ साथ जो लोग नया मोनेटाइज करना चाहते हैं अपना चैनल को, वहाँ पर जितने वॉच टाइम है वहाँ पर भी ये काउंट हो रहा है, यहाँ पर जो वॉच टाइम आ रहा है यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के द्वारा। तो गाइस, ये क्या फंडा है एंड गाइस, ये कोई ऑफिशियली कोई न्यूज़ आया है कि नहीं, सभी के बारे में जो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, सभी के सभी सच्चाई के पर्दाफाश करने वाला है। तो चले गाइस, आज की इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके से। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, आई एम अतुल एंड वाचिंग टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं गाइस, आज की इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके से। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हुआ कुछ यूं कि ट्रेंडिंग सेक्शन में अगर आप आज जाओगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो, लगभग लगभग एक हफ्ते से बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस जो आपको ट्रेंडिंग में देखने को मिल जाएगा। एक दो नहीं, 7-8-9-10 तक आपको ट्रेंडिंग सेक्शन के अंदर वीडियोस देखने को मिल जाएगा, जो कि छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो है। एंड गाइस, अगर आप देखोगे, मेरा भी अगर स्क्रीनशॉट अगर देखोगे तो गाइस यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि मेरा जो पॉपुलर वीडियो है बहुत ही जल्दी है वायरल हो जा रहा है। एंड गाइस, मैं बता रहा हूँ, ये जो शॉर्ट वीडियोस होता है, यहाँ पर जो है शॉर्ट वीडियोस के अंदर बहुत ही तेज़ी से वायरल होता है, मतलब कि 2-3 घंटा लेगा उसी के अंदर 1000 व्यूज़ आ जाएगा या फिर 100 व्यूज़ आ जाएगा, मतलब एकदम रॉकेट की तरह आता है। लेकिन जब ये कम हो जाता है तब फिर से नहीं आता। तो जब ही आ रहा है तो ही बेहतर है, अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो और भी बेहतर होगा, मतलब और भी ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन अगर बढ़ेगा या फिर क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा तो फिर ये तो और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा इसका इंप्रेशन, और अगर इंप्रेशन बढ़ेगा तो व्यूज़ भी ज़्यादा आएगा। बट ये यहाँ पर जो एक पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर जितने भी व्यूज़ आ रहा है वहाँ पर तो वॉच टाइम भी आ रहा है। अब वॉच टाइम जितने भी आ रहा है, उस वॉच टाइम के हमारा मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल कर सकते हैं, यानी कि उस वीडियो में जितनी वॉच टाइम आएगा मोनेटाइजेशन के लिए, जो 4000 घंटा का वॉच टाइम हमको चाहिए, वो क्या यहाँ से हमको मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, कुछ हाँ कुछ नहीं, ये अजीब सा आंसर हुआ, कुछ हाँ कुछ नहीं। तो गाइस, आपको पता होगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स से पहले भी, मतलब ये जो नया चीज़ आया है यूट्यूब शॉर्ट, उससे पहले भी काफ़ी सारे लोग जो है 1 मिनट के नीचे वीडियो बनाता था, और वो भी वर्टिकली बनाता था, ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं बनाता, जिस तरह कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे वर्टिकली वीडियो बनाया जाता था। तो काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर वीडियो को डाल भी देते थे और वो जो है वहाँ पर इनकम भी कर रहे थे, और उन सभी वीडियोस को भी जो है आज यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर लेके आ गया। तो फिर क्या हुआ, पहले तो वो वीडियो नॉर्मल वीडियोज़ की तरह ब्राउज फीचर्स, यानी कि होम पेज में अगर आप स्क्रॉल करते हो तो उसको टेक्निकली कहा जाता है ब्राउज फीचर्स, ब्राउज फीचर्स, सर्च इंजिन, सजेस्टेड वीडियोस एंड बाकी सारे जितने भी जगह है वहाँ से अगर आपका ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक मतलब आपका व्यूज़ आता है, तो आपको वहाँ पर अगर कोई ऐड दिखाया गया तो उस ऐड का रेवेन्यू आप गूगल एड्स के अंदर दिया जाएगा, यानी कि आपका वहाँ से इनकम होने वाला है। एंड ये पहले भी था, ठीक है, और जितने भी वॉच टाइम काउंट होगा, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कहा ना कि कुछ हाँ कुछ नहीं, अब बात करता है नहीं, कहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो गाइस, अगर आप देखोगे, ज़्यादातर जो शॉर्ट वीडियो का जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है कि यूट्यूब शॉर्ट का जो बटन होता है, जो कि आप स्क्रॉल कर 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 देखते हो, तो उस फीचर से ही ज़्यादातर आ रहा है। तो वहाँ पर जितने भी वॉच टाइम काउंट होगा वो जो है आपका मोनेटाइजेशन का जो वॉच टाइम है उसके अंदर काउंट नहीं हो पाएगा, और वहाँ पर भी कोई भी ऐड नहीं आएगा। अगर बाई चांस आ भी गया, फिर भी आपको जो है वहाँ पर कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगा। और गाइस, यहाँ पर मेरा जो YouTube शॉर्ट का बटन का मतलब ये है, ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक YouTube शॉर्ट का वीडियो का बटन देखेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो कुछ इस टाइप का भी आपको बटन देखने को मिलेगा। और एक आता है जो कि चैनल के अंदर हम लोगों को शॉर्ट का बटन मिलता है, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। नीचे गाइस, अगर आप देखोगे, मेरा गेमिंग चैनल का ये एक छोटा सा क्लिप मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप लोगों को शॉर्ट देखने को मिल रहा है। मैं जो है आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ, मेरा जो कि व्लॉगिंग चैनल है उसके अंदर एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था मेरा शॉर्ट के ऊपर, जहाँ पर मैं फायर पन खा रहा हूँ,
तो वहाँ पर गाइस अभी जो है मैं जब इसको क्लिक किया, ये एज ए शॉर्ट वीडियो की तरह यहाँ पर ने ट्रीट करेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है कि एज ए शॉर्ट वीडियो है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अगर ये मैं हमारा चैनल पेज या फिर कहीं से भी अगर मैं देखूँ लाइक ब्राउज फीचर से, तो फिर आपको कुछ इस टाइप का दिखाएगा। तो गाइस ये अभी जो है ये एज ए शॉर्ट वीडियो नहीं, एज ए नॉर्मल जो वीडियो होता है उसी की तरह शॉर्ट हो रहा है। और यहाँ पर अगर कोई ऐड जो वॉच टाइम है वो भी काउंट किया जाएगा, एंड यहाँ पर कोई अगर ऐड आया तो वो भी हमारा रेवेन्यू का ऐड हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है दोनों तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। एक तो एक नॉर्मल से जो आप अगर ट्रेंडिंग में कुछ देर पहले बात किया ना कि ट्रेंडिंग सेक्शन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है यहाँ पर शॉर्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप एक वीडियो पर क्लिक करते हो, इस वीडियो में जब आपने क्लिक किया और इस चैनल का जब मोनेटाइजेशन इनेबल है तो इस वीडियो के अंदर आएगा ऐड, उस ऐड से वो लोग जो है कमा सकता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यही है, जब आपका जो शॉर्ट फीचर्स है वहाँ अगर कोई व्यूअर्स आपका वीडियो को व्यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ पर आपका कोई भी तरीके का यहाँ पर ऐड मोनेटाइजेशन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बट अगर आपका वीडियो को एज ए नॉर्मल वीडियो, जो कि जैसे कि ये वाला वीडियो आ रहा है, ये वीडियो जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है आपका मोनेटाइजेशन के लिए भी जितने भी क्राइटेरिया है उसके अंदर भी फिल हो जाता है। एंड उसके साथ साथ अगर वहाँ पर आपका वीडियो के अंदर ऐड लगा हुआ है तो वहाँ पर उससे आप लोग जनरेट कर सकते हो इनकम। और भी अच्छे से समझने के लिए डेस्कटॉप में मैं जो एनालिटिक्स को ओपन कर लिया, अब मैं दिखाता हूँ किस टाइप से आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि मैं मेरा पोको एक्स2 जो अब टूट गया था उसके ऊपर एक वीडियो बना था, तो गाइस यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो मैक्सिमम जो मेरा व्यूज़ आया है वो मेरा शॉर्ट जो बटन आता है या फिर शॉर्ट का जो फीचर्स है वहाँ से ही आया। और यहाँ पर जो है 14 घंटे के आसपास मुझे शॉर्ट वीडियो से मतलब शॉर्ट जो फीचर्स है वहाँ से मिल चुका है। ये जो बाकी जो जितने भी सारे हैं ये मेरा जो मोनेटाइजेशन के लिए जितना वॉच टाइम मुझे काउंट चाहिए उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। हालांकि ये नंबर बहुत ही कम है जो बाहर से आया है, जो कि शॉर्ट से आया है वो बहुत ज़्यादा है, पर वो जो है मेरा मोनेटाइजेशन के साथ इनेबल नहीं होने वाला। बट इसके साथ साथ मेरा जो सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ चुका है, तो बाकी वीडियोज़ भी वो लोग देख चुके हैं, तो इस टाइप से मेरा जो है ग्रोथ हो चुका है। एंड बाकी जो है और भी एक मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस वीडियो में गाइस आप अगर आप देखोगे इस वीडियो में भी जो है मुझे शॉर्ट से ज़्यादा आया है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ लगभग 0.8 या फिर 9 ऐसा कुछ मेरा शॉर्ट से आया है, और बाकी जो जितने भी आप लोग देख सकते हो वो मेरा बाहर से आया है, यानी कि ब्राउज फीचर सर्च यहाँ से जो भी आया है सब यहाँ से आया। और एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ जो कि मैं रिसेंटली मैं पोस्ट किया, यहाँ गाइस देख सकते हो 38.5% जो है मेरा यहाँ पर ब्राउज फीचर से आया है, और यहाँ पर 1% मेरा शॉर्ट से नहीं आया है। अब काफ़ी सारे ऐसे वीडियो भी आ जाता है ना काफ़ी सारे टाइम, तो इसलिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जितने भी वॉच टाइम है मेरा काउंट हो जाएगा। और गाइस मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं है इस वजह से, और एक सेक्शन ओपन नहीं हो रहा जो कि है मोनेटाइजेशन या फिर रेवेन्यू, तो यहाँ पर मेरा जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। अगर मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल होता तो यहाँ पर जो है और एक बट यहाँ पर आके वहाँ पर मेरा जो ऐड है वो भी ऐड का रेवेन्यू मेरे साथ जुड़ जाता। अब गाइस मैं आपको और भी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि इस टाइप का भी सिचुएशन का भी मिलता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 67% मुझे जो है शॉर्ट से आया है, बाकी और भी तरीके से जो है इसके अंदर व्यूज आ चुका है, जो कि मेरा सेटअप टूट का एक छोटा सा वीडियो मेरा टेक चैनल के अंदर डाला था। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखो, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको समझ सको। तो गाइस यहाँ पर जो शॉर्ट से आया है लगभग मुझे 0.5% जो है यहाँ पर मेरा शॉर्ट से फर्स्ट टाइम आया है, यह आवर्स है मिनट नहीं है। और नीचे है ब्राउज फीचर्स वगैरह, यानी कि यहाँ पर 50% जो है मेरा शॉर्ट से आया है, 50% से ज़्यादा जो है कह सकते हो, या फिर 60% ये जो है मेरा यहाँ से आया है। और गाइस अगर आप कुछ इस टाइप से अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर सके हो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चैनल को सर्टनली ग्रोथ करना चाहते हो। और गाइस एक बहुत ही जल्दी एक वीडियो आने वाला है जहाँ पर मैं बताऊँगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स के द्वारा काफ़ी जल्दी से कैसे वायरल किया जाता है अपने वीडियो को। मैंने खुद किया, अब मैंने मेरा टेक चैनल पे नहीं, मेरा और भी चैनल्स है उसमें भी किया, मेरे दोस्त को भी किया, तो फिर कैसे किया जाता है इसका एक लाइव प्रूफ मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और कैसे हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है कि वीडियोस देने में, क्योंकि गाइस मेरा जो काइन मास्टर से मैं एडिट करता हूँ, मेरा लैपटॉप है अच्छा खासा पर मुझे जो है वहाँ पर मन नहीं बैठता, तो मैं फ़ोन से ही एडिट करता हूँ। और मेरा फ़ोन के अंदर जो मैं काइन मास्टर से यूज़ करता तो वो जो है यहाँ पर मैं मॉड यूज़ करता था, तो मॉड में हो नहीं पा रहा, कुछ काम नहीं हो पा रहा, और मैं जो ओरिजिनल है उसको यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर वाटर मार आ गया है, ढेर सारे एड्स आ रहा है, एकदम मतलब क्या ही बताया, खैर छोड़िए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आपका वीडियो को एज ए नॉर्मल वीडियो, आपका शॉर्ट वीडियो को एज ए नॉर्मल वीडियो की तरह अगर ट्रीट किया जाए तो फिर वहाँ से आप मोनेटाइजेशन का किसी भी तरीके का
जो क्राइटेरिया है उसके साथ फुलफिल होता है। बट गाइस इसके अंदर छोटा सा ट्विस्ट ये है कि इसके बारे में यूट्यूब ने किसी तरह का ऑफिशियली जिक्र किया ही नहीं, कहीं पर भी बात नहीं किया, ना उनका क्रिएटर का यूट्यूब चैनल है उसके अंदर बात किया है, ना कि और कहीं पर। तो फिर मतलब लेकिन ये पहले से ये जो ऐड कर आ रहा था वो पहले से ये सिस्टम में था, इस वजह से जो है यहाँ पर अगर आप नॉर्मल वीडियो की तरह अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखा जाए तो उसके अंदर आपका ऐड आने वाला है, सिंपल सा बात यही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस का अपडेट आप लोग रोज मिलते रहे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग।